चलो बच्चा, अभी हम जो कर रहे हैं वो पहले तो ये पॉइंट समझना कि इसमें इंफॉर्मेशन किस तरह दी हुई है। हमें 3 नंबर दिए हुए हैं। जब भी आप बोलोगे सर ऐसा कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर कंसेक्यूटिव नंबर, तो आपको वो ध्यान में रखना है वो जो 3 नंबर है वो क्या होंगे, तो वो समझते हैं बच्चा। देर आर, पहले लिखा हुआ है फाइंड आउट 3 पार्ट्स ऑफ 207 सच दैट दे आर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बोला हुआ है कि 3 पार्ट्स का जो टोटल है सम है वो दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दे फॉर्म एपी एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 4623। तो यहां पे लिखते हैं लेट 3 पार्ट्स आर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, तो ये पहले दिया हुआ है। तो यहां पे आगे चलते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 207। तो ये हमने लिख दिया। यहां पे ए जो है वो 3a है और ये डी जो है वो कट हो जाएगा, माइनस प्लस है इसलिए 207। यहां पे आप करोगे तो यहां पे 207 डिवाइड बाय 3। आप बोलोगे सर यहां पे जो होगा 3 6 18, ये 29, तो आप बोलोगे सर 3 9 27, तो ये बचेगा 2। यहाँ बच्चा 9 नहीं है 7 है, तो हमारा काम हो जाएगा 7, तो आप बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 69 हो जाएगा। यहां तक बच्चा आपको क्लियर होना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो आपका a का आंसर तो आ गया। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है 2 स्मॉल पार्ट्स, तो आप बोलोगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉल पार्ट्स इज इक्वल टू 4623। स्मॉल प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉल पार्ट्स मतलब आप बोलोगे a माइनस डी एंड a, तो आप a माइनस डी इंटू a इज इक्वल टू 4623। यहाँ पे a जो है वो 69 माइनस डी, यहाँ पे 69 लिख दिया। ये आपको पहले क्लियर करना है क्योंकि a के फॉर्म में जो दिया हुआ है वो हमने लिख दिया। अभी बच्चा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4623, तो पहले ये मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा, तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4623 डिवाइड बाई 69। 69 माइनस डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 67। तो अभी आगे चलते बच्चा, ये डिवाइड करोगे तो 67 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 67 माइनस 69, तो आप बोलोगे डिफरेंस जो आएगा वो बच्चा 2 का होगा, डी जो होगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस डी जो लिखा जाएगा वो प्लस में आएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ अभी हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर आर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस डी ए ए प्लस डी। जो हमें पता है डी जो है वो 2 है, यहाँ तो डी है ही नहीं, यहाँ प्लस 2, और ए जो है वो 69 माइनस 2 है, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, तो आप बोलोगे 67, ए 69, यहाँ पे भी 69, तो ये 69 हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 71 हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। हमें वो क्या ढूंढना है, तो 3 नंबर ढूंढने थे जो हमने ढूंढ लिए। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।